शहजादी एक आदम जात है जो हमें बार बार परेशान करता है और ना ही तो नाच गाना करने देता है और ना ही कोई सामान लेने देता है। जब हम जमीन पर जाते हैं वो एक ही बात बोलता है, मुझे परिस्तान ले चलो, मुझे परियों की शहजादी से मिलना है। अच्छा ले आना, जरा हम भी तो देखें कौन आदमजात हमसे मिलना चाहता है। शहजादी साहिबा ये क्या कह रही हैं, एक आदमजात को परिस्तान बुलाना चाहती हैं? शायद आप ये भूल चुकी हो जिस दिन से ये दुनिया बनी है आदमजात परियों के दुश्मन हैं। कहीं ऐसा ना हो वो आदमजात परिस्ताना के सारे परिस्तान को तहस महस कर दे। हाँ शहजादी अलीना परी सही कह रही है। हो सकता है इनकी बात में सच्चाई हो। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, फटा लिबास मासूम चेहरा, हमें तो अल्लाह का नेक बंदा लगता है। अच्छा ये भी तो हो सकता है तुम्हें मासूम बन के दिखाता हो और मकसद कुछ और हो। शहजादी साहिबा हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं उस आजमजात को परिस्तान नहीं बुलाया जाए, बाकी आपकी मर्जी, जो फैसला लेंगे आप ठीक ही लेंगी। वो आदमजात हमें क्यों नुकसान देगा, वो भी तो खुदा का बंदा है। हम इजाजत देते हैं उस आदमजात को परिस्तान लाया जाए। जो हुकुम शहजादी, अल्लाह हाफिज। तू जो पर्दे में है, अरे तू जो पर्दे में है, पास बुलाऊं कैसे, दिल में जो आग लगी है उसे बुझाऊं कैसे। मेरा महबूब लाखों में हजारों में हसी, उसकी तस्वीर को जमाने को दिखाऊं कैसे। पूरा दिन हो गया तुझे, एक रुपए का भी काम नहीं करके दिया तूने। अरे मुंशी जी छुपो तो, मुंशी जी मैंने कई चक्कर लगा दिया, बहुत काम कर रहा हूँ मैं। ए आदमजात चलो हमारे साथ, तुम्हें परिस्तान की शहजादी ने बुलाया है। क्या कहा, परियों की शहजादी ने बुलाया, जिसका था मुझे बरसों से इंतजार, आज होने वाला है उसका दीदार। ए खुदा तूने मेरी सुन ली। क्या सोच रहे हो आदमजात, जल्दी चलो हमारे साथ। कुछ नहीं उस्मान, तुमने आवाज किसको दी, हमने तो शहजादी से तुम्हारी इजाजत ली थी, हम किसी दूसरे को आपके साथ नहीं ले जा सकते। तू साला निकल ले, आजा तेरा बस की नहीं है काम करना, निकल ले। नहीं नहीं मुंशी जी ऐसा ना करो, मैं तो काम करता रहूंगा। रुपया मिले या ना मिले, मुझे मेरे दोस्त की आवाज आ रही है, शायद वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। बस हाले मैं भी तो परेशान ही हूँ। परेशान हो तो इसे पकड़ो और ढो अपने हाथ से ईंटें। बाबा सुन ले साला काम फंसाया कम वक्त। वो भाईजान अब किसे बुला के ले आऊं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर भाईजान मैंने ईंटें नहीं डाली तो मालिक साला मुझे मारेगा। वो रुक जाने दे, साली से पहली मना करी मैंने, मत भेजे भट्टे पे। वही यहाँ तो मुंशियों से भी ईंटें ढुलवा दी। रुक साला, आ रही हो जाली, आ रही हो घर को, तेरी बक्कल दारू है जाली, मुझे भसवा दिया यहाँ पे। आ रही हो जाली, शाम को तेरा बक्कल दारूंगा। चल बेटे देख चिल्ली, अब तो एक आदमी डालनी पड़ेगी। अबे मैं क्यों भाग रहा हूँ, अबे मैं तो क्रिस हूँ, उड़ सकता हूँ। अबे यार कभी कभी मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है कि इस दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ है ही नहीं कोई। अबे यार ये मेरी शक्तियों को क्या हो गया, जब जब मेरे ऊपर मुसीबत आती है मेरी शक्तियां काम ही नहीं करती हैं यार। अबे अब तो मुझे ऑटो रिक्शा करके जाना पड़ेगा, चलो। ए आदमजात लगता है नहीं तो तुम्हारा दोस्त आएगा और नहीं तुम जाओगे, चलते हैं हम। रुको रुको मैं आ गया। हाँ बता क्या परेशानी है। अरे परेशानी कुछ ना है, हमें परिस्तान चलना है, परियों की शहजादी ने बुलाया है। अरे क्यों पड़ रहा चक्कर में, ये दो हम दो यहीं पे कर लेते हैं शादी,
करेंगे 8-10 बच्चे और तू धोइए उनके कच्चे। तुम दोनों फिर से बातें करने लगे। दोनों चलेंगे? हाँ दोनों चल मेरे दोस्त। संभाल के खड़ा हो जा। अरे मैं कह रहा था तुम ना आ रही क्या? अरे तुम भी आ जाती इसमें चटाई पे, चारों जने हंसी मजाक करते हुए चलते। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हमारे तो पर हैं, उड़कर चले जाएंगे और ये चटाई तुम्हें परिस्थान पहुंचा देगी। ओबे ये तो बड़ी अजीब की चीज है भाई। अबे ना तो इसमें पहिए हैं और ना स्टेरिंग है। अबे गिरा मत दिए भैया सिमाल के। ओबे एक बात सुन ले मेरी, मैं यूं कह रही हूँ जब तेरा मामला वहां फिट हो जा तो एक काम जरूर कर लिए, दहेज में चटाई जरूर ले लिए। मैं तो अपने अब्बा के साथ बाजार भी इससे ही जाया करूंगा करने के लिए। यार मुझे इस बात का डर है कहीं तू परिस्थान जाके कुछ गड़बड़ मत कर दिए। अपना मुंह बंद रखना। मुंह बंद है मगर इसको मला मचा रही है। अबे सामान ले रही है, मुझे गिराएगा क्या? तुम हो परिस्थान की सजादी, इतनी खूबसूरत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। हाँ बताइए क्यों हमसे मिलना चाहते थे आदमजात? मेरी अम्मी जान की बस एक ही तमन्ना है, दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मेरी बहू। लगता है यहाँ हमारी दाल मागलने की है। और हाँ मुझसे मदद मत मांग लिए, मैं इस दुनिया का क्रिस नहीं हूँ, मैं अपनी दुनिया का क्रिस हूँ। अरे यार मुझे तो ऐसा लग रहा थोड़ी देर और रुका तो सारी मेरी पेंट गिली हो जाएगी। चुप हो। ए आदमजाद तुम्हारी अम्मी जान चाहती हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत उनके घर की बहू हो, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ए परिस्तान की सहजादी तुमसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कौन होगा, तुम ही मुझसे शादी कर लो। ए आदमजाद तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? अगर शहजादी ने मेरे हाथ नहीं पकड़ा होता ना तो मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर देती। हमारे परिस्तान में आके तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की? ये गुस्ताखी नहीं पागलपन है, मुझे तो ऐसा लगता है अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। और मैं तुमसे, I love you मेरी जान। ए आदमजात तू हमें जानता नहीं, तू कहाँ और हम कहाँ? ऐ खुदा ये कैसा इम्तिहान है, मोहब्बत की तो अर्श पे और इजहार के तो फर्श पे। अरे मैया मर गया रे, कितनी ऊपर से फेंक को मारा है। अबे अबे दब गया मैं तो, अबे कोई तो निकालो। अबे ये कहाँ मर गया सुतरी का? अबे आलम ये तो मेरे दोस्त की आवाज है। उस्मान खुदा का शुक्र है बस तो गए। उस्मान अबे आलम अबे बचा ले मुझे। हैं भला मुझे कौन क्यों बचाएगा, मैं तो खुद कुरिश हूँ, अपने आप को बचा सकता हूँ ना। मेरा दोस्त कहाँ आलम? लगता है वो पुराने अड्डे पर होगा। अरे मैं तो गिरा था पानी में, पता ना मेरा दोस्त कहाँ गिरा होगा। उस्मान उस्मान उसकी बहन की मजे मजे। अरे तू कहाँ था मेरे दोस्त, तू लैंड क्यों ना हुआ, तू तो क्रिस है। अबे यार मेरी शक्तियाँ सही करके काम नहीं कर रही, कभी तो एकदम से लैंड हो जाता हूँ और कभी शक्तियाँ काम नहीं करती तो ऐसी भट्टे देने गिर जाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने ताबीज घंटे करा दिए, जब भी तो मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। अरे तू वो सब छोड़, तू ये बता चटाई कहाँ जिस पे हम बैठ के गए थे। अबे चटाई को छोड़, खुदा का शुक्रिया अदा कर सही सलामत है हम दोनों, वरना जितनी ऊपर से हम गिरे हैं ना अब तक हमारी हड्डियों का सुरमा बन गया होता। तेरा शुक्र है परवरदिगार कि आज मुझ पर ये जादू का सामान है, जिस सामान से कि मैंने अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया है। अल्लाह ने आज मुझे इस कामयाबी पे पहुंचा दिया
कि मैं शहर अफगानिस्तान अपने ये जादू का सामान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ शहर अफगानिस्तान वहाँ के शहंशाह ने मुझे बुलवाया है। तेरा शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार मैं। अरे लगता है ये दो परदेसी अनजान मुसाफिर बैठे हुए हैं। चलता हूँ मैं इनकी परेशानी पूछता हूँ। चल के अहे अनजान मुसाफिर, लगता है तुम दोनों परेशान हो। क्या परेशानी है मुझे बताओ। अबे तू कौन है भैया, और तुझे हमारी परेशानी का कैसे पता? मैं हूँ बंगाल से आया हुआ दिलचैन जादूगर, और मैं रखता हूँ हर दिल की खबर। मुझे सब बातों का मालूम है, तुम परेशान हो, बताओ क्या परेशानी है। हम कैसे मान लें तू जादूगर है? अगर तू जादूगर है तो कुछ जादू दिखाओ। जादू दिखाऊं? हाँ दिखा दिखा दिखा। तुम दोनों जादू देखोगे? हाँ देखेंगे जादू। देखेंगे। लो जादू देखो, मैं तुम्हें आज जादू दिखाता हूँ। बोलो क्या देखोगे? कुछ भी दिखा दे। कुछ भी? अरे हाँ। कुछ खाना है? खाना नहीं है। कुछ पीना है? हाँ हाँ पेप्सी पियेंगे। ये है कोल्ड ड्रिंक। ये तो कोको कोला। अबे भैया लाल वाली मंगा, लाल वाली फैंटा। ये कोई जादू है? है? अबे कोई नया दिखाओ, दिखाना है तो। मैं ऐसा जादू दिखा दूंगा कि तेरे जिस्म के हर पुर्जे से पानी निकाल दूंगा। पानी निकालोगे मेरे शरीर में से? जब पानी निकलवा जा। अबे यार कहीं ऐसा ना हो मुझे गायब कर दे। मैं हूं ना तुझा। पीछे से निकाल दिया। अबे तू चुप ना। देखा मेरा जादू? मेरा नाम दिलचैन जादूगर यूं ही नहीं है, मैं बंगाल से आया हूँ जादू दिखाने के लिए। तो मेरे पास कुछ सोना है। जादूगर तो बढ़िया। अच्छा तुम कुछ भी बना सकते हो? हाँ कुछ भी। अरे वाह, तो एक काम करो, तुम जो है ना 500 के 1 करोड़ रुपए बना कर दे दो। 1 करोड़ रुपए नहीं बना सकता मैं, 2-4 नोट बना सकूं। अबे मैं तुझसे पहले कह रहा, ये फर्जी जादूगर है। अबे तेरी सुती। अरे तू जादूगर को छोड़, तू ये बताओ सयादी से कैसे मिलेंगे? अब तो बस अल्लाह का ही सहारा है। ऐ खुदा तू कोई अल्लाह का नेक बंदा भेज दे जो हमें परिस्तान ले जाए। तू टेंशन मत ले मेरे यार, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ये कौन सी आफत आ गई? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्यों हुक्म है मेरे आका? 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 यहाँ कौन है? क्या देख रही है भाई? अबे मैं ये देख रहा हूँ तू यहाँ पर आका किसको बोल रहा है? अबे झुकेले मैं तुम्हें आका बोल रही हूँ। पहले तो ये बता कमरबंद किसने खींचा? कमरबंद? कमरबंद इसने खींचा। ये खींचा वही मेरे आका है। इसका मतलब तू हमारा गुलाम है? हाँ मेरे आका, जो कोई भी ये नाड़ा खींचेगा मैं उसका गुलाम हूँ मेरे आका। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? हमारी सारी परेशानी में काम आगा। हाँ हर परेशानी में। उरे, उरे भैया, उरे ना छोड़। अबे अबे जिन, अबे एक बात तो बता, तू वहां से भागा क्यों? भागा क्यों था? बाबले शेर आ गया था वहां। 2 मिनट अगर रुक जाता तेरी बोटिया का पता न चलता, बता रही हूँ सुकलेट। और हाँ तू अगर ऐसा कोई बड़ा जानवर आ जाना याद मत कर लिए, बुला भी मत लिए जरा से भी। बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं। अच्छा मतलब अगर इस कमरबंद को खींचूंगा तब भी ना? कमरबंद खींचने की तो छोड़, तू कमरबंद तोड़ भी देगा तब भी ना आऊंगा। अबे इंसानों का जिन्नात तुम्हें, कोई जानवरों का जिन्नात थोड़ी है। यार मुझे तो ये फर्दी जिन्नात लग रहा। किसे कह रहा फर्दी? ये रे अगर एक चप्पल मार दिया तो साले तैर तो सराय में गिरेगा जाके। हुकम पुकम दे देनी गोली बन जाऊंगा ऐसे। अरे नाना ओ, हमारा एक काम करोगे? क्या हुक्म है मेरे आका? परियों की शहजादी से मिलना है। परियों की शहजादी से? पर क्यों मेरे आका? वो हम तुझे बाद में बताएंगे, बस तो हमें ले चल।
मैं परिस्थान तो नहीं लेकर जा सकता मेरे आका, लेकिन मैं तुम्हें परियों से मिलवा सकता हूँ। मतलब हम समझे नहीं यार। हम तीनों को चुड़ैल घाट जाना होगा, आज रात वहाँ परियों का नाच गाना है, लेकिन याद रखो वहाँ जाना इतना आसान नहीं है मेरे आका। तो फिर हम कैसे जाएंगे वहाँ जिन? हमें उन चुड़ैलों से लड़ना होगा, तभी हम परियों तक पहुँच सकते हैं मेरे आका। अबे चुड़ैलों से लड़ना हो या चिमगादड़ों से लड़ना हो, दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं। तेरे आका उस रसीली नागिन से बहुत प्यार करते हैं। आका कहाँ से पकड़ लाए ऐसे चकचुंदर को? रोटियों रोटियों में भारी लग रहा मुझे तो। ठीक है सुना, तुम पकड़ लो आका, इसका कोई भरोसा ना, कभी अम्मा के सलवार में डाल ले। चलो हाथ पकड़ ले। आज हमारे महल में नाच गाने के साथ मुकाबला भी है, क्या आप सबने अच्छे से तैयारी कर ली है? हाँ शहजादी, मैंने इन सारी परियों की तैयारी करा दी है। देखना आज का मुकाबला हमसे कोई नहीं जीत सकता। जीनत परी, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं कि ये मुकाबला हम ही जीतेंगे? क्योंकि आज हमने दुनिया की सबसे मशहूर अदाकारा बुलवाई है। जरा हम भी तो देखें कौन है वो। अस्सलाम वालेकुम शहजादी साहिबा, हम हैं वो फनकार, इस नाचीज को नेहा कहते हैं, और खुदा के रहम और करम से हमने हज़ारों मुकाबले जीते हैं। हम कुछ नहीं जानते, हमें ये मुकाबला हर हाल में जीतना है। ओए हटो पीछे को, तुम्हें पता नहीं है अबे गाने बजाने की बातचीत चल रही है वहाँ पर? और मेरा तो खानदानी काम है आलम, तू टेंशन मत ले, इन लड़कियों से मैं ही मुकाबला करूँगा। जीनत परी क्या हुआ, वो काफिला हमारे महल में क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? शहजादी काफले को निकलों का काफ़ी वक्त हो गया है, पर रास्ते में कुछ आदम जात हैं, वो उनकी वजह से रुके हैं। आई कुछ बात समझ में? मेरी सब समझ में आ रही है। अबे तो क्यों इतनी देर कर रहा है, बना दे फिर हमें कपाल। हाँ यार जिनी, हमें ना कोई अच्छा सा गेटअप दे ताकि हम उनके पास जा सकें। जो हुक्म मेरे आका, इसे भी देऊं? अरे हाँ यार तीनों का बेकार ही लगा वैसे तो। लो जी हुकुम मेरे। अबे मैं तो कपाल बन गया। अबे इतने तो कपड़े बड़े बढ़िया दे दिए। आगा कैसा लग रहा है बताशे में चैंटा? अबे तू तो अपना सिमाल ले हुलिया, हमें पिटवाएगा क्या मजाक है? सदा बाहर हूँ बेटे, मैं ऐसे ही रहता हूँ बारो मासी। जिनी ये वक्त लड़ने का नहीं, कुछ करने का है। चल यार चल, आगा एक बार कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं होने की मैं ये कह रही हूँ, वारंटी है इस भैया की, इसे वापसी कर दो। ये इंश्योरेंस करा दिया इसका तुमने? आ जा चॉकलेट। निशा परी, हमारे महल की पहरेदारी में कौन कौन है? शहजादी साहिबा, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पूरे चुड़ैल घाट में घना पहरा होना चाहिए, कोई भी आदमजात यहाँ ना आ पाए। आप चिंता ना करें शहजादी साहिबा, इस महल को हमने चारों तरफ से घेर लिया है, आपकी बिना मर्जी के यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ पता चला एलिना परी? हाँ शहजादी, बस आने ही वाले होंगे वो। मुझे तो ये लगता है हमारी पूरी रात यूं ही काली हो जाएगी, वो नहीं आने वाले। हाँ शहजादी, नाच गाना शुरू कर दिया जाए। जिसका था परिस्तान की परियों को इंतजार, लो हो गया उस नाचीज का दीदार, लेट होने के लिए माफी चाहते सरकार। महफिल सजाई जाए और मुकाबला शुरू कर दिया जाए। जो हुकुम शहजादी साहिबा। आओ भाई क्या हुआ शहजादी, हमें तो ऐसा लगता है
ये वही आदमजात हैं जो परिस्तान आए थे। हाँ शहजादी, मुझे भी ऐसे लगता है, अगर इनके बदन पर से लिबास हटा दिया जाए तो ये दोनों वही लगेंगे। लगता तो मुझे भी है, मगर वो दोनों यहाँ कैसे आ सकते हैं? हजारों चुड़ैलों का पहरा है, इसका हमें पता लगाना होगा। जब तक तुम पता लगाओगी इतने में पता नहीं ये दोनों क्या कर देंगे। तुम्हें पता लगाने की जरूरत नहीं, मैंने पता लगा लिया है। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। वो आए नहीं, उन्हें कोई लेकर आया है। तुम घुमा फिरा के क्यों बता रही हो, जो बात है बताओ। उनके साथ एक जिन है जो उन्हें ऊपर ऊपर उड़ा के लाया है। ऊपर ऊपर उड़ा कर लेकर आया, ऐसे कैसे हो सकता है? परी तो हम है, हम ही तो उड़ सकते हैं, वो कैसे उड़ सकता है? ये सही बोल रही है, वरना यहाँ आत्मा का आना भी नामुमकिन है। तो अब क्या होगा शहजादी? मैं तो कहती हूँ यहीं जिला का राख कर दो इन दोनों को। नहीं नहीं, हमें किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। निशा परी, अपना उड़न खटोला तैयार करो और चलो यहाँ से। ऐसे तो हमें ये बार बार परेशान करेंगे, कुछ तो करो इनके साथ। इसका हिसाब होगा मगर वक्त आने पर, और वो वक्त बहुत जल्द आएगा। परियों का पता नहीं चला, परियां कब निकल गई थी? हाँ, आखो अगर आज ही हमारे साथ नहीं होता तो आज हमें परियां मिल जाती। अबे तू मेरा नाम मत ले बे, खुद से काम होता नहीं है, मेरा नाम लगवा देता है। और तुम्हारी आने की निदानी तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके कुत्तों को ना खिला दिए तो जब कहना। जिन मामू, हमारा कोई मैटर ना, ये लेकर आया हमें, चलो चल आलम। उस्मान, ये वक्त मजाक का नहीं, जिनी कुछ कर मेरे भाई। तुम डरो मत मेरे आका, ये सिर्फ दो हैं, अगर आज 2000 भी होते तो ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाते मेरे आका, क्योंकि खुदा ने मुझे ऐसी शक्तियों से नवाजा है, ये छोटी मोटी आत्माएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे अरे, मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? कितनी बार मैंने मना करी है कि मेरे जंगल में लड़ाई झगड़ा मत करना, मगर फिर भी हराम खोर हो, तुम मान नहीं रहे हो। अरे कौन हो रहा तुम और यहाँ कैसा आए? तुम्हारी अम्मा आ गई। अरे दादी जान, हम लोग यहाँ परियों से मिलने आए थे। हैं? क्या कह रही हो? परियों से मिलने आए थे? मैं समझी नहीं बेटे। हमारे आका को परिस्तान की शहजादी से प्यार हो गया है। ये कैसे हो सकता है? जाओ चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ना मारे जाओगे मारे। सर पे कफन बांधा है, या तो मरूंगा या शहजादी को हासिल करूंगा। अरे मरी के लिए, ये प्यार नहीं पागलपन है। अगर तुझे उसे पाना है और वाकई तुझे उससे सच्ची मोहब्बत है मेरे बेटे, तो तुझे नीली झील जाना पड़ेगा। नीली झील जाना होगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ बेटे मेरे लाल, वहाँ पे तुझे एक अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा। वो नेक बंदा तुझे सारे रास्ते बता देगा कि तुझे परियों की रानी कैसे मिलेगी। अगर हम उस बंदे को पहचानेंगे कैसे? हैं? पहचान कैसा होगी? अरे जमीन और आसमान के बीच में बैठा हुआ होगा और हाथ में तस्बीह इस्लामिक लिबास पहना हुआ होगा, समझ लिए? वही अल्लाह का नेक बंदा है, वही तुझे सारे रास्ते बताएगा। चले मेरे आगे। रुक, जिनी और उस्मान। उस्मान, अबे बड़ी मुश्किलों से साले का फंदा कटा, मुझे डेढ़ पसली को कहां अपने साथ रखे फिरे हो? ना जिनी, वो मेरा जिगर का टुकड़ा, मैं उसके बगैर नहीं जाऊंगा। मेरे भाई तू मेरी बात मान, उसे लेके चल। टुकड़ा ही टुकड़ा।